वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मैंने डाला है ये वाला सूट। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कहीं, तो वो सब आपको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए अपने पूरे ब्लॉग में आप लोग। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना भाई। और ये मिस्टर लग रहे हैं, ये डॉक्टर लग रही है, ये टिशू। और आज देखो इनके आते ही मेरे घर की हालत, सब कुछ बिखेर देते हैं बाप बेटी। भाई क्या करूं मैं, बाप बेटी नहीं। तो बने रहिए हमारे पूरे व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जिस लोग को भी अच्छा लगे वो प्लीज लाइक और कमेंट करना। लोग को नहीं भाई, लुगाइयों को भी। हेलो गाइस, आज हम बातें कर रहे हैं बैठे बैठे। और ये पीछे लगाए हैं गप्पू बैठे तब तक उधर, जब तक टेबल खाली हो गया। आज भीड़ बहुत है यहाँ। सबको दिखा रही है, अब इसको देख। अभी मेरा ये गरम है, मैं बच्चों की तरह नहीं देना। मैं दोनों भूखे जगह। पिज्जा खाने के बाद एक ही एक्सपीरियंस रहा है, मैं खाती हूँ सिर्फ डोमिनोज वाला, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही पसंद रहता है। ये वाली चूड़ी अच्छा।
किस किस के मुंह में अभी पानी आएगा। मेरे पास कमेंट आते हैं, तू वीडियो में कुछ भी खाने का दिखाती है और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कई बार तो हमारा सावन का फास्ट होता है और हमारा खाने का मन कर जाता है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें भी मत दिखा कर भाई। मैं तो दिखाऊंगी, जिसके मुंह में पानी आए वो खा लो, है ना जी। ये यहाँ पे भी अपना हॉट चॉकलेट मिलते हैं। बोलो चलो। तो भाई अभी खाना वाना खा के पिज्जा वगैरह हम आगे थे घर। तो आज फ्रेंडशिप डे पे बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी हर जगह, तो फिर हम हर जगह नहीं गए क्योंकि सुबह मॉर्निंग में फिर उठना होता है जल्दी, क्योंकि अभी गप्पू के एग्जाम बचे हुए हैं, 2-3 एग्जाम और बचे हैं, वो हो जाएंगे फिर आराम से घूम के आएंगे डे नाइट तक। और अभी भी टाइम तो 12 बजे के करीब हो रखा है, अभी हम आए थे 10-15 मिनट हुई हैं। तो भाई आज मैं बताऊँगी आपको कि अपनी लाइफ में सबसे अच्छा जो फ्रेंड होता है मेरे लिए जो है वो अपने हस्बैंड होते हैं। अगर आपके रिश्ते के बीच सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है ना, तो आपके हस्बैंड से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं होता। क्योंकि एक टाइम होता है जहाँ पे हर फ्रेंड अपना साथ छोड़ देता है। जो हमारी शादी से पहले के थे उनका भी ये नहीं पता कहाँ कहाँ है, मिलने के लिए बोलो तो कभी कोई बोलता है मेरे को टाइम नहीं है, कभी कोई बोलता है मेरे को टाइम नहीं है। ऐसे ही शादी के बाद जो हमारे फ्रेंड बनते हैं उनकी भी वही सब की अब अपनी लाइफ होती है, अब अपनी मजबूरी होती है, किसी की फैमिली मिलने देती है, किसी की नहीं मिलने देती है, तो ऐसा कुछ अलग रहता ही है। बट एक हस्बैंड ऐसा होता है, अगर आप अपने हस्बैंड से हर चीज़ शेयर करते हो ना, तो उससे अच्छा फिर आपका फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता। तो भैया अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट है तो हस्बैंड है आपके सबसे अच्छे दोस्त, क्योंकि उनको आप कभी भी कहीं भी बुला सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, कहीं भी उनके साथ जा सकते हो। और अगर सबसे सेफ आपके लिए कोई है तो वो आपका हस्बैंड ही होता है, अगर वो अच्छा हो तो। ये नहीं है कि भैया आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे सब कुछ बताएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, वो हमारा चाहिए, अच्छे पल हैं, बुरे पल हैं, कैसा भी है, बट एक टाइम पे हमें उनको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, अपना सब कुछ समझाना चाहिए। और मैं हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा पवित्र मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानती हूँ, और है भी हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्योंकि ना राज में से कुछ छुपाते हैं, उन्होंने बचपन से लेके आज तक का अपना अपना हर अच्छा बुरा सब कुछ मेरे को बता रखा है। और सेम चीज़ में मैंने अपने बारे में हर छोटी से छोटी बात उनको बता रखी है, इसलिए हमारे रिश्ते में बॉन्डिंग अच्छी है। हमें कभी भी ये डर रहता ही नहीं कि दूसरा आके कल को हमारे बारे में कुछ बोले तो हमारा रिश्ता खराब होगा। तो भाई वही है मेरे सबसे अच्छे दोस्त। हेलो गाइज, अभी रात के बजे हुए 3 और हम दोनों जग रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हमें लगी भूख। अभी मैं बना के लाई हूँ चाय और इसके साथ हम लेके आए थे गार्लिक ब्रेड, ये खाएंगे रे। ये देखो इनके आते मैं बिगड़ होगी वरना मैं रात को खाती नहीं थी। आज बात करते करते बहुत जोर की भूख लगी, तो फिर वैसे तो मैं अकेली होती तो पढ़ के सो जाती, बट अब दो बंदे हैं तो खा ही लेंगे। गुड मॉर्निंग जी, सुबह को मैंने सुबह उठ के चढ़ा दी है चाय, ये इधर रख दिए, आलू बॉयल होने रखे,
भाई बहुत दिन बाद राज आए, उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत दिन बाद आज मैं आलू के पराठे, क्योंकि जब घर में कोई होता है ना अगर ड्रेस लेके खाने वाला तो बनाने में भी मजा आता है। मैं आज ऊँट तो सुबह से जल्दी गई थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, पढ़ा दिया उनको, तो अभी राज को उठा के वो अभी तक सो रहे थे, उनके लिए चाय बना रही हूँ। आज उनके चक्कर में मैंने भी चाय नहीं पी, वरना मैं उठते ही सबसे पहले चाय बना के पीती, तो अभी मेरा भी काम बचा हुआ है। चलो मिलते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग, आप जल्दी उठने वाले थे आज? टाइम क्या है? 10 बज गए। ओ आप मेरे को क्या बोलते थे, तो इतनी लेट उठती है आज, आप क्यों नहीं उठे? लेट से अभी बैठा हूं। पापा मैं खाती हूं, मेरे गाइस देखो पापा आज मेरे बैग भर के लेके आ गए हैं। इनके लिए भेजती हूँ मैं इनको बार बार ऑफशोर, ये इतने ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, और साबुन तो आपने कल वाले व्लॉग में देख लिए होंगे, ऑफशोर जाने से इतना फायदा रहता है। ये सारे ड्राई फ्रूट लेके आए इस बार तो वैसे भी दूसरी ब्रांड के हैं, है ना। अभी बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, ये स्टफिंग है, आलू का पराठा बन रहा है, ये काटती है मैंने खीरे। हेलो जी, अभी दीशु भी आ गया स्कूल से, ये दोनों पापा बेटा कर रहे हैं लड़ाई, क्यों कर रहे हो आप लड़ाई? क्या बोल रहे बता तो दे। नहीं। इतना क्यों लड़ता है? मारूंगी। किसको? ये होगी दोनों में लड़ाई। दीशु बार बार बोल रही है कि मेरे को क्या खेलना है, सांप सीढ़ी, नेकलेट, इसको खेलना है लैपटॉप में, स्नैक लैडर ये लगे हुए हैं अपना, कुछ काम करने ये करने गप्पू को तो कुछ भी बोल दो मान जाती है, पर ये शैतान कभी नहीं मानती। और ये देखो इसके बाल कैसे हो रखे हैं, देख पीछे से दीशु के बाल कैसे हो रखे हैं। आज तो मैं नाई भी नहीं हूँ, श्याम को गुस्सा इतना है क्यों? पागल है तू, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, खाली पॉपकॉर्न ही खाओगे? टैन टैन टैन, हमारे बच्चे हैं पॉपकॉर्न। कप्पू आ गई है स्कूल से, मम्मी मेरे को एक भी नहीं खिला रही, ये भी थोड़े थोड़े सुधर गए, हेयर कट वगैरह हो गया। मम्मी अभी नू नहीं खा रही डेरी क्योंकि आपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। दीशु को देखो स्वाद लेकर खाओगा, दूध भी बहुत खाओगे, मेरे बच्चों का दूध, मेरी चाय, मेरा कप ले गया और मेरा अमृत। हाँ पापा तो मेरा है, ये कप देखो। हाँ पापा तो मम्मी का तो लो है, क्या पहचान है? लाया दूध।
तो अभी भाई मैं वो सब गए नीचे, पापा बेटी वो जिम गए हैं, बच्चे खेलने के लिए गए हैं, मैं अपना लगी हूँ अपना काम निपटाने के लिए। तो अभी किचन का काम निपटाऊंगी, सब्जी वगैरह बनाऊंगी रोटी के लिए आटा लगा के, तब उनको फ़ोन करके बुलाऊंगी जब तक वो नीचे घूम लेंगे, क्योंकि जब सब ऊपर रहते हैं ना तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही बातें करने लगी रहती हूँ, कभी कुछ ऐसा ही लगा ही रहता है। तो अभी उनको नीचे भगा दिया, माँ भाई मेरे को भी थोड़ा सा काम करने दो, एडिटिंग भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, बहुत दिन बाद मैं आज भिंडी लेके आई हूँ, क्योंकि रेट इतने हाई हो रखे हैं ना सब्जी के। और वैसे भी अकेली रहती तो मोस्टली मैं बनी बनाई ही सब्जी ले आती थी, और मेरे को इजी भी लगती थी, और ख़ुद से कभी अकेले के लिए सब्जी बार बार बना के खाई भी नहीं जाती, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं, इनकी पसंद की थोड़ा बहुत बना लेती थी कभी कभी। बट बहुत दिनों के बाद ये भिंडी, तो ये लगा लो ये गए थे, ये 1.5 महीने में वापस आए हैं, उसके बाद आज ही बनाऊंगी मैं। तो ये धो के रख दिए हैं, तब तक सूख जाएंगी, बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे, फिर सारा ये बर्तन जो सूख के रखे हैं साइड में उनको लगा दूंगी, फिर आटा वगैरह लगा के सब्जी बनाऊंगी। और ऐसे ही पूरा दिन, आज का मेरा दिन का पता भी नहीं कहाँ गया, अकेली रहती थी तभी भी मैं इतना ही बिजी रहती थी, और अब ये आ गए हैं तो भी मैं इतनी बिजी हूँ, क्योंकि आज इन्होंने मेरी हेल्प भी की, वही बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना सब कुछ इसने इन्होंने कर दिया, और जो घर का काम था वो मैंने निपटा। बट फिर भी हस्बैंड घर में होते तो काम बढ़ी जाते हैं, जैसे ये आए थे तो बहुत सारे कपड़े लेके आए, वो वॉश किए वगैरह, तो ऐसे ही चला ही रहता है। और घर में ज़्यादा बंदे होते हैं तो काम भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है, अब चाय बना लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अकेले रहती थी तो ऐसे ही पड़ी। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम कर देते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक करना। थैंक यू।